तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर एरिया का जो कैलकुलेशन रहता है ना, एरिया के जो भी यूनिट्स रहते हैं ना, उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, यूनिट का कन्वर्जेशन किस तरीके से होता है। एरिया में हमको पता है फीट, फीट का अगर 1 फीट मल्टीप्लाइड बाई 1 फीट, इसका मतलब क्या हो गया, 1 स्क्वायर फीट, ये क्या हो गया, एरिया का यूनिट। वैसे अगर मीटर में अगर हम जाएंगे, 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, ऐसे अगर किए तो 1 स्क्वायर मीटर, ये हो गया एरिया यूनिट। ठीक है, 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, इसका मतलब 1 स्क्वायर मीटर है, एरिया ही है। यहाँ पर अगर आप बोलोगे 10 मीटर बाय 10 मीटर, इसका मतलब 100 स्क्वायर मीटर, इसको बोलते हैं हम आर। आपने खेती के यूनिट में सुना होगा, अगर आपके पास 7 बरा होगा तो उसके ऊपर आर रहता है। ठीक है, 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर 100 स्क्वायर मीटर होता है, और 100 स्क्वायर मीटर का 1 आर होता है। क्लियर। इसके बाद में आपने सुना होगा 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर, इसका मतलब क्या हो गया, और एक जीरो लग जाएगा, 10,000 स्क्वायर मीटर, इसका मतलब होता है 1 हेक्टर। जब बहुत बड़ी जमीन होती है तो उसको अगर आप मेजर अगर करने के लिए जाते हो तो 1,000 स्क्वायर मीटर कहीं ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। 1 हेक्टर, इतने बड़े यूनिट को एक छोटी यूनिट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया, 1 हेक्टर। क्लियर। एकड़ भी होता है, एकड़, 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं, टू पॉइंट फोर सेवन एकड़। ठीक है ना, 1 हेक्टर में इतने एकड़ होते हैं। आपको ये तो हो गया, इसके बाद में गुंठा भी आपने सुना होगा, जब हम लेआउट डालते हैं, प्लॉट डालते हैं, अभी तो स्क्वायर मीटर में ही, स्क्वायर फीट में ही होता है, लेकिन पहले जो गांव में जो लेआउट डालते हैं ना, वो 1 गुंटा 2 गुंटा ऐसे प्लॉट डालते हो, तो वहां पर क्या होता है, 1 एकड़ में आपके 40 गुंठा रहते हैं। 1 एकड़ का मतलब 40 गुंठा जमीन। ठीक है, और 1 गुंठा का मतलब 1089 स्क्वायर फीट। अभी हमारे पास यूनिट आया है स्क्वायर फीट। 1 गुंठा का मतलब 1089 स्क्वायर फीट। क्लियर। इसके बाद में हमको जो ज्यादातर यूनिट काम में आता है ना एरिया में, वो आता है 1 स्क्वायर मीटर का मतलब 10.76 स्क्वायर फीट। यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, हम बार बार इसका यूज करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी अगर आपके सामने आएगा तो आपको बोल देगा कि हमारी जमीन इतनी बाई इतनी की है, वो फीट में बता देगा। मैं आपको बोलता हूँ, 1 एकड़, 1 गुंठा का मतलब ऐसे भी होता है, 1 गुंठा जो स्क्वायर में जो 1 गुंठा का प्लॉट रहते हैं ना, 33 बाय 33 फीट का रहता है वो, इसका मतलब है 1 गुंठा। ठीक है, 33 बाय 33, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, 1089 आएगा, इसको बोलते हैं 1 गुंठा। इससे फायदा क्या होता है पता है क्या, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को इसी का फायदा होता है। आपको अगर ये अगर पूरा आता है ना, आप पैसे कमा सकते हो। किस तरीके से, अभी जो डेवलपर है, अभी जो लैंड वाले जो प्लॉट डालते हैं, इसके बाद में जो बेचते हैं, उनका गेम क्या है, यहाँ पर देखो वो क्या करते हैं, 1 एकड़ जमीन लेते हैं। हम गेस कर रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे 1 एकड़ जमीन लेनी है अमरावती में, कितने रुपये एकड़ है जमीन, 50 लाख है सिटी लैंड के ऊपर, सिटी लाइन के पास में वाला जो एरिया है ना उसके ऊपर 50 लाख। हाँ, होंगे लो तो 40, 45, 50 लाख रुपए। ठीक है, हमको पूरा परफेक्ट पता है उस जमीन के बारे में, तो हम वहां से 1 एकड़ जमीन ले रहे हैं, कितने लाख की, 50 लाख की। तो वहां पर हमने 50 लाख दे दिए एक खेती वाले को, उसके पास की जो जमीन है उसको हमने ले लिया। इसके बाद में अभी हम क्या करेंगे, इस जमीन में लेआउट डालेंगे। ठीक है, अभी हम इस तरीके से लेआउट डेवलप कर रहे हैं, समझो। अभी तो वैसे तो स्क्वायर फीट में लेआउट डालते हैं, लेकिन हम ही डायरेक्ट डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम गुंठा में डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, 30 प्लॉट बना दिए। ठीक है, 10 प्लॉट की जमीन हमने रोड के लिए दे दी, नाले के लिए दे दी। ठीक है,
30 प्लॉट अगर हमने बना लिए, 30 प्लॉट हमने बना लिए मतलब 30 गुंठा जमीन हमने बेच ली, ठीक है। एक गुंठा में कितने स्क्वायर फीट है? 1089 स्क्वायर फीट, क्लियर। तो हमारी जो जमीन गई है वो कितने स्क्वायर फीट की हमने बेची है जमीन, मल्टीप्लाई करो तो ठीक है, स्क्वायर फीट की हमने जमीन बेच दी, क्लियर। अभी वहां पर रेट क्या है पता है क्या आपको जमीन का? 1000, 1100, 1200, 1500 इसके आसपास में है। 1100 पकड़ लेते, ठीक है, इसको हम 1100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री करोड़ फाइव नाइन 370000, इसका मतलब 3,59,00,000, 37,000, 3,59,00,000। ये 59 लाख तो अलग के अलग निकल गए, ठीक है, जमीन वाले। इस एक 3 करोड़ में 1 करोड़ समझो हमने रोड बनाने के लिए दे दिए, इधर उधर पूरा खर्चा हो गया, 2 करोड़ का प्रॉफिट है 1 एकड़ में। वहां पर सिटी लैंड वाले ने 100 एकड़ का पूरा जमीन लिया है, उसके पास प्रॉफिट कितना होगा अभी? इस तरीके से खाली यूनिट के ऊपर ही है ना सब कुछ, ठीक है ना। तो यूनिट अगर आपको यूनिट अगर कन्वर्ट करने आ गया, और अगर आपको कंस्ट्रक्शन वाले ही हम है, हमको तो पूरा पता ही है, हमको अगर एक गेम अगर समझ में आ गया तो हम भी तो, हमारे पास अगर पैसा होगा तो हम भी तो ये काम कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से उतना प्रॉफिट है फिर उसमें, ठीक है ना, उसमें फिर टैक्स विक्स डिडक्ट होता है ना, समझ गए आप इसका। इस तरीके से आपको एरिया का यूनिट कैलकुलेट करना होता है, ये पूरे एरिया के ही यूनिट है, समझ में आ गए? डाउट नहीं है ना? इसके बाद में एक यूनिट वॉल्यूम का, हमको एक ही यूनिट का काम आता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? लेंथ विड्थ हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम निकल जाता है। एक क्यूबिक मीटर का मतलब 35.31 क्यूबिक फीट होता है, ये बात आप ध्यान में रखो।